प्रदेश के मरीजों का अब एक क्लिक पर हेल्थ डेटा उपलब्ध होगा। ये सब राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन अभियान से संभव होगा, जिसका चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने स्वास्थ्य भवन से आगाज किया है। अभियान के तहत राजस्थान में 3,84,00,000 से ज्यादा लोगों की आभा आईडी बनाई गई है। देखिए रिपोर्ट। मुख्यमंत्री बजनलाल शर्मा की स्वास्थ्य सेवाओं के डिजिटलाइजेशन की मंशा को पूरा करने की दिशा में चिकित्सा विभाग ने अहम कदम उठाया। इसके तहत चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य भवन में आयोजित कार्यक्रम में खींवसर ने इस मिशन को राजस्थान की चिकित्सा सेवाओं की दृष्टि से मील का पत्थर बताया। खींवसर ने कहा कि इस अभियान के माध्यम से चिकित्सा तंत्र ऑनलाइन होगा और रोगियों के लिए उपचार लेना ज्यादा सुगम होगा। इसमें क्या होगा कि आप जब कभी भी आप जाएंगे कोई भी हॉस्पिटल में, इसमें आपका पूरा डेटा, जहाँ कहीं भी आप गए हैं, आपने क्या दवाई दी, क्या प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर ने दिया, क्या आपका उपचार हुआ, वो जो है इसके अंदर आपका जा के आप उसको करेंगे, आपके डॉक्टर को मालूम पड़ जाएगा आप कहाँ कहाँ गए, आपको क्या, अपन फाइल लेके घूमते हैं ना जैसे, वैसे उसको क्या करेंगे, फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में भी कुछ महीनों में उसको पूरा ही लिंक कर देंगे। ऑनलाइन मोड पर चिकित्सा विभाग मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन का किया शुभारंभ। प्रदेश के चिकित्सा तंत्र को तकनीकी तौर पर मजबूत बनाने और अधिकाधिक सेवाओं को ऑनलाइन मोड पर लाने के लिए शुरू हुआ मिशन। आभा आईडी बनाने, हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री, हेल्थ केयर फैसिलिटी रजिस्ट्री, टेली कंसल्टेशन, AI डैशबोर्ड जैसी सुविधाएं मिशन के तहत उपलब्ध होंगी। आमजन की आभा आईडी बनने से उनका हेल्थ रिकॉर्ड सुरक्षित रहेगा। जांच रिपोर्ट्स को साथ लेकर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। इससे चिकित्सक के लिए भी उपचार करना आसान होगा। चिकित्सा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण और बेहतर सर्विस डिलीवरी के लिए राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन की शुरुआत की गई। इससे चिकित्सा तंत्र तकनीकी रूप से तो मजबूत होगा, साथ ही आमजन को स्वास्थ्य सेवाएं लेने में भी आसानी होगी। NHM के मिशन निदेशक डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने बताया कि प्रदेश में 3,84,00,000 से ज्यादा लोगों की आभा आईडी बनाई जा चुकी, इस लिहाज से राजस्थान देश में 7वें स्थान पर है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में IHMS आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का माइलस्टोन 1 पूर्ण कर चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट घोषणा की, उसमें ये आयुष्मान राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन की एक परिकल्पना थी और माननीय मंत्री महोदय के निर्देशन में प्रथम माह में ही, मतलब बजट घोषणा के प्रथम माह में ही इसका शुभारंभ कर दिया गया है। देखिए, ये एक इंटीग्रेटेड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम है जिसमें 1.0 तो अभी चल रहा है। राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन का जिस विजन के साथ आगाज हुआ, वो एक क्लिक पर हेल्थ अपडेट की सोच को साकार करे। विभागीय अधिकारियों की माने तो फिलहाल इसे सरकारी अस्पतालों में भी शुरू किया जा रहा है, लेकिन जल्द ही निजी अस्पतालों के डेटा को भी इससे जोड़ा जाए, ताकि मरीजों को अपने सभी मेडिकल रिकॉर्ड को सहेज कर रखने की झंझट से निजात मिल सके। विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।